हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये तकिया कलाम है मेरी वाइफ का, जो आज मैं बोल रहा हूँ। मतलब कि आज है मिसेस झा का बर्थडे, जो आपकी होस्ट भी है, आपकी को होस्ट भी है, सब कुछ है। तो आज का दिन उसके लिए हम लोग को बहुत स्पेशल बनाना है, इसीलिए हम लोग पहले जाएंगे उसके लिए मंदिर। और कौन सा मंदिर? दक्षिणेश्वर टेम्पल। दक्षिणेश्वर टेम्पल। और आप जानते हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल कोलकाता का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माने रिनाउंड टेम्पल है, जहाँ पे काली जी का ये मूर्ति है और काली जी एज अ गॉडेस काली जी वहाँ पे है। तो हम लोग जाएंगे, पहले वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद इसके बाद हम लोग और आगे क्या क्या करते हैं तो ये आप ब्लॉग में देखिएगा कि कैसे हम लोग उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और जो भी पब्लिक वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं वो इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा कि दक्षिणेश्वर टेम्पल कितना फेमस है और कितना सुंदर है। तो ब्लॉग में हमारे साथ बने। तो दोस्तों, अब हम लोग पहले मिलेंगे मंदिर जाने से पहले बर्थडे गर्ल से, यानी बर्थडे वोमेन से एक्चुअली। तो लेट्स सी एंड मीट माई वाइफ प्रियंका। लेट्स कॉल प्रियंका। प्रियंका, और ये आ गई है हमारी बर्थडे वुमेन, जिसका हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं वो तो हमने बता दिया है। तो आपको कुछ बोलना है जी? नहीं, कुछ नहीं, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज मेरा दिन है, तो सब मेरे को बोलेगा। जैसे कि रवि आया है बोलने के लिए, ये है बोलने के लिए, काना है, पलक है, हम कुछ भी नहीं। आज ये देखिए पलक रेडी है, पलक रेडी हो गई है, सभी रेडी हो गए हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले मंदिर में, और मंदिर में जाके पहले करते हैं गॉडेस काली का पूजा। और हाँ 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 हाँ, मुझे बताइएगा सिर्फ इतना ही हम बोलेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं बर्थडे पे। हम वैसे सूट लेके आए थे, मंदिर जाने के लिए सूट पहनना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो सूट मुझे गिफ्ट किया था वो इतना ज्यादा ढीला मेरे को हो रहा है, इसे हम इसको कैंसिल कर दिए, ये दूसरा मेरे को लाके दिए। दोस्तों, फेक फेक बताइएगा। हाँ बताइए, झूठे मूठों का भी थोड़ा सा तारीफ कर दीजिए, क्योंकि वुमेन को तारीफ पसंद होता है। हाँ हाँ, तारीफ करने नहीं, जेन्युइन तारीफ कीजिएगा कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये ड्रेस कैसा लगा, मैचेबल मैचेबल, ये आ गई है बाहर से। चलिए तो मिलते हैं। सबके बारे में बताइएगा, रवि के बारे में, अकाना के बारे में, इसके बारे में, मेरे बारे में, सबको देख लिया आप, सबके बारे में कौन कैसा लगा रेटिंग दीजिएगा, पांचों में से किसका ज्यादा अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं मंदिर में हम लोग पहले। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना जर्नी, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं कैब में, निकल चुके हैं हम लोग घर से और जा रहे हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल। और दक्षिणेश्वर टेम्पल में हम लोग पहले जाके, जैसे हमने बताया कि आपको हम लोग करेंगे वहाँ पे पूजा, और फॉर द टाइम बीइंग हमने अपना मास्क उतार दिया है, लेकिन अभी भी पैंडेमिक ओवर नहीं हुआ है, तो अपना सेहत का ख्याल रखें, मास्क हमेशा पहने रखें। तो मिलते हैं हम लोग मंदिर में। और फ्रेंड्स, हम लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, अभी हम लोग बाली ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। बाली ब्रिज क्रॉस करते ही जैसे ही हम लोग टर्न लेंगे लेफ्ट, वैसे ही हमारा टेम्पल आ जाएगा। हालांकि आज बारिश हुआ है तो मौसम बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बादल पूरा घेर के रखा है, कितना सुनहरा नज़ारा लग रहा है। और यहीं पे आप देख सकते हैं, आपको टेम्पल नज़र आ रहा होगा, यही है वेस्ट बंगाल का दक्षिणेश्वर टेम्पल। वैसे तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो बना था, बट यहाँ पे दूसरी लाइन बन रही है, जो कि आप देख सकते हैं ऊपर में मेट्रो स्टेशन बना है, जो दक्षिणेश्वर से दमदम को जोड़ेगा। ये ऊपर उसका स्काई वॉक बना है, स्काई वॉक का भी नज़ारा बहुत अच्छा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग टेम्पल पहले जाएंगे, मंदिर से निकल के फिर हम लोग स्काई वॉक पे जाएंगे, और फिर दिखाएंगे आपको कि स्काई वॉक कैसा बना है। और यहाँ पे हम लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल के मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं,
आप चाहे तो टू व्हीलर से आ सकते हैं, चाहे तो फोर व्हीलर से आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग का बहुत स्पेस है एंड पार्किंग का जो आवर चार्ज है वो आप जितना देर रखिए उसके अकॉर्डिंग लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा पार्किंग का जगह है टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए। और ये मंदिर के बाहर का एरिया है, मंदिर अंदर जाके है। अभी हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मंदिर में माता रानी को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेंगे। और जो पब्लिक हमारी, जो फ्रेंड्स हमारे वेस्ट बंगाल से बाहर हैं, उनको मैं बता दूं कि दक्षिणेश्वर टेम्पल वेस्ट बंगाल कोलकाता का सबसे पुराना टेम्पल है। ये टेम्पल सन 1980 में रानी रसमोनी के द्वारा स्थापित किया गया था, बट उनके मृत्यु के बाद ये टेम्पल ट्रस्ट को दे दिया गया। तब से इस टेम्पल का मेंटेनेंस या सब कुछ ट्रस्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। हालांकि हमने जब यहाँ पे विजिट किया तो हमें पता चला कि अभी भी इस मंदिर का मेंटेनेंस चल रहा है। हम लोग भी ये टेम्पल करीब 2 साल बाद जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे और दक्षिणेश्वर टेम्पल नहीं आ रहे थे। तो हमें भी ये मेंटेनेंस के बारे में अभी ही पता चला है। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। ये देखिए जीजा जी प्रसाद ले रहे हैं। हालांकि प्रसाद का बहुत सारा स्टॉल है, बहुत सारा दुकान है। आप जब भी यहाँ पर विजिट करें आप अपने अकॉर्डिंग जिस दुकान से चाहें उस दुकान से ले सकते हैं और जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। और मंदिर में ना तो मोबाइल अलाउ है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, ना आप ये सारी एसेसरी जहां से प्रसाद लेंगे वहां पे जमा कर सकते हैं और जब मंदिर से रिटर्न आएंगे तो वापस ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं। ये है हमारा हुगली रिवर। हुगली रिवर के ऊपर जिस बाली ब्रिज से हम लोग आए थे वो ब्रिज था। ये है मंदिर के आउट का व्यू, नाइट व्यू। हम लोग मंदिर के बगल में एक छोटा सा घूमने का पार्क है, वहीं पे हम लोग टहल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर। बच्चे दोनों पीछे हैं। बच्चे दोनों बाहर हैं, मतलब पीछे की तरफ हैं, क्योंकि वो लोग चाय नहीं पी सकते और फ्रूटी मिला नहीं उन लोगों के लिए। तो देखिए अभी हम लोग चाय पी रहे हैं स्टॉल के बाहर, दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर। ठीक फूड स्टॉल है और फूड स्टॉल में आप खाना भी खा सकते हैं वहाँ पे। हाँ, दक्षिणेश्वर का सबसे फेमस खाना है आपका दाल पूड़ी। दाल पूड़ी यहाँ पे जब आए तो दाल पूड़ी जरूर से ट्राई करें, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो इसलिए क्या हो गया कि अभी दुकान बंद हो रही है, शॉप्स वगैरह सब बंद हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ चाय का मजा ले रहे हैं। टाइमिंग अभी जल्दी कर दे, 7 बजे बंद कर दे। हाँ, अभी चूंकि मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है तो इसलिए वो लोग भी बंद कर देते हैं। मेरा फेवरेट दाल पूड़ी नहीं मिलेगा मेरा। इसको ना, इसको दाल पूड़ी बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए ना। दीदी नाश्ता में मम्मी बोले लेकिन क्या बनाएंगे, हम बोलते मम्मी दाल पूड़ी, मम्मी दाल पूड़ी। चलो ठीक।
और अभी गेट बंद हो रहा है तो अभी पैसा देना पड़ेगा। यही है। अच्छा मेरा इनका बर्थडे स्पेशल था ड्रिंक, मैंने टैंक, मेरा बर्थडे स्पेशल है चाय, भाड़ वाला चाय। लेकिन ये भाड़ वाली चाय पी के भी मजा आता है, चाय हमेशा भाड़ में पिए टेस्ट मजा आता है, टेस्ट भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। हालांकि ग्लास में बहुत जन चाय पीते हैं लेकिन टेस्ट इसमें ज़्यादा आता है। टेस्ट इसमें हो गया। और ये है कचरा का डब्बा। और हम लोगों ने मंदिर से निकलकर चाय पी लिया है। और ये है वो स्काई वॉक जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, बट अभी ये बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो कोरोना का गाइडलाइंस को रखते हुए इसको बंद रखा गया है। और ये है वहाँ का रेलवे लाइन। और अभी हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ के जाएंगे उत्तर पारा, क्योंकि वहाँ पे है एक रेस्टोरेंट, ग्रिल चिल रेस्टोरेंट, जहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। और ये देखिए मिसेस झा का बर्थडे के दिन टूट गया है चप्पल, एक पाँव में चप्पल है एक पाँव में नहीं है, तो एक पाँव का चप्पल लेके गए हैं मिस्टर झा बनाने, वो रहे रेड टी शर्ट में। और ये मिस्टर झा बनवा रहे हैं जूता। ये है बर्थडे स्पेशल, मिला है माता रानी का प्रसाद। तो बच्चे लोग क्या दे रहे हो मम्मी को गिफ्ट? ये तो अपना जमाया पैसा बोल रही मेरे को देंगे मम्मी, वो आपका आयुष तुम नहीं तीन पेपर का बनाया है तुम आयुष क्या बर्थडे कार्ड के बाद जा रहे हैं बोलना आयुष क्या लोगे तुम बताओ? पहले सूप मंगाते हैं? हाँ पहले करेंगे सूप। अरे रे रे, आज मम्मी को पसंद नहीं चलेगा, आज मम्मी बोलेगी वही चलेगा। नहीं नहीं पहले सूप ऑर्डर करो ना, स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न नहीं, कैसा लग रहा है? बहुत बाहर निकलते थे, पाँच जन कितने दिन बाद? हम लोग पाँच जन हमेशा जाते थे, जब भी जाते थे साथ में जाते थे, कि बहुत दो साल बाद हो रहा है कि हम लोग फिर से पाँच जन निकले हैं बाहर, देखते मजा आने वाला है फिर से। और वो भी हमारे ससुराल के पास आए हैं हम। यहाँ से कितना दिन है हम लोग का घर? यहाँ से मेरा घर जो पहले मतलब था, अभी भी पापा मम्मी वहीं पर रह रहे हैं, तो हार्डली 10 मिनट का रास्ता होगा, हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम हियर, काफी नजदीक ही। क्या कर रहे हो आयुष? हम लोग पी रहे हैं चिकन सूप। क्या भैया? चिकन स्वीट कॉर्न। अरे हाँ, थोड़ा सा बिजी हो गया था, चिकन कॉन्सेंट्रेट इस पे आ गया था। खाने के टाइम पे क्या होता है भाई, कॉन्सेंट्रेट खाने पे हो जाता है, तो डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा खाने पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। हाँ।
लोग छह यहाँ नहीं छह नहीं छह मैं तो सौ में से टर का स्मेल आ रहा है। अभी तक हम लोग ये सब ऑर्डर किए हैं और ये लाइव है रविया रवि लाइव हो खाना पीना हो गया है, पार्टी पूरा खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी पार्टी खत्म हुई नहीं है, घर जाके एक और पार्टी बाकी है।